और चलते हैं उस बार मेड़ पर, ताकि वहाँ से अच्छे से आप सभी को दिखा सकूँ। दोस्तों आ गया हूँ मेड़ पर, इस बार निकल आया। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों सुबह के बज गया है 10, आज जो है 10 बजे से ब्लॉग शूट कर रहा हूँ दोस्तों। और दो दिन ब्लॉग करने के लिए, शूटिंग करने के लिए समय नहीं था, जो है काम में बिजी था दोस्तों, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। दोस्तों ये देखिए पूरा आंगन की लिपाई पुताई आज हो गई है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और दीपावली के बाद से दोस्तों जो है आज पहली बार जो है लिपाई हुआ है। ये देखिए वर्षा जो है खेल रही हैं और सौर भी खेल रहे हैं। आज विद्यालय बंद है दोस्तों। दोस्तों विद्यालय इसलिए बंद है आज क्या है साक्षी, क्या है आज विद्यालय क्यों बंद है? विद्यालय क्यों बंद है दोस्तों ये नहीं पता है इनको, साक्षी को। लेकिन खेल खेल रहे हैं, देख सकते हैं, और छोटी छोटी ये दियली लिए हैं, ये लोग खेल रहे हैं। अरे वाह, ये बर्तन की धुलाई कर रहे हैं दोस्तों, ये देखिए, ये इसको बर्तन बनाए ये लोग। इसमें दिया जलाए थे दीपावली को, वही वाला है ये दियली, माटी वाली है। तो ये लोग बर्तन बना के इसको धुलाई कर रहे हैं, ये देखिए यहीं खेल रहे हैं लोग। और सौर भी धुलाई कर रहे हैं, ये देखिए। ठीक, मेन वाला तो बर्तन धुला नहीं जाएगा, और मेन वाला बर्तन जब धुलाई की पारी आएगी तो कहेंगे हमको धुलाई करना नहीं आता। ये देखिए कि इसको कितना बढ़िया धुलाई करके एकदम लाइन से लगा दिए हैं लोग। दोस्तों यहाँ पे धनिया की सिंचाई हो रही है, और ये देखिए इधर का सिंचाई हो गया है, पालक है, लहसुन है, इधर टमाटर है, इधर की भी सिंचाई हो गई है, और उधर धनिया आ गया है सामने। ये देखिए धनिया तो हो गया है, पूरा पानी भर गया है, अब इसको जो है बदलना है, दूसरे में लगाना है। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के बाद एक लाइक जरूर करिएगा आप लोग, लाइक तो ज़रूर करिएगा आप लोग, और कमेंट भी करिएगा। और दोस्तों वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि वीडियो बनाने से ज़्यादा बड़ी बात नहीं, कमेंट करिएगा आप लोग, लाइक करिएगा, तब जो है अच्छा रहता है, तो हौसला बढ़ता है, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। यार सोचता हूँ यार वीडियो अच्छा लगता है कि नहीं लगता आप लोगों को। और दोस्तों इधर हमारी भैंस जो है चारा खा करके बैठी हैं, देख सकते हैं धूप ले रही हैं, और सभी लोग बैठ गए हैं, पांचों लोग, ये देख सकते हैं धूप बहुत अच्छी लग रही है। दोस्तों मैं जा रहा हूँ अपने खेत पर, और वहाँ पर जो है घास भी लाना है भैंस के लिए, अम्मा गई है वहाँ पर, और देखना है कि मतलब कि धान काटने लायक हो गई कि नहीं हो गई है, और आलू की सिंचाई करना है वो भी देखना है, अगर सींचने लायक हो गया हो तो सिंचाई भी होगी, और वहाँ की वीडियो दिखाऊंगा आप सभी को। और दोस्तों खेत पर आ गया हूँ, ये धान वाले खेत पर, ये देख सकते हैं काटने लायक हो गया है कटाई करने के लिए, दो तीन दिन में हो सकता है कटाई लग जाएगा इसमें। और पीछे देख सकते हैं बगल में दादा लोगों का कटाई हो रहा है जो है, और कुछ बाकी रह गया नहीं, पूरा कर जाएगा उनका। दोस्तों अब जा रहा हूँ आलू वाले खेत पर, और देखना है कि वहाँ की आलू जो है सिंचाई के लिए हो गई है कि नहीं। और ये देख सकते हैं बगल में मोटरसाइकिल है, किसी ने खड़ा किया है। दोस्तों आलू वाले खेत पर आ गया हूँ, और ये 20 दिन करीब हो गया, लेकिन अभी देख सकते हैं पूरा ये जामा नहीं है, पता नहीं सड़ गई आलू की बची है, देखते हैं इसको यहाँ पे इसकी खुदाई करके देखते हैं। दोस्तों आलू तो है, आका भी है, इसमें सड़ी नहीं हो सकता है, जामेगा ये, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि दोस्तों इसमें आका नहीं था ना, इसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। तो दोस्तों इसी तरह आलू जो है अभी सड़ी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जामिनेशन बहुत कमज़ोर है, क्योंकि 20 दिन करीब के पहले और धूप बहुत ज़्यादा थी जो है, टेम्परेचर ज़्यादा था, हो सकता है इसकी वजह से वो जामिनेशन सही नहीं हुआ। दूसरी बात आलू में जो है आका भी नहीं था कायदे से, ये देखिए पूरा कहीं कहीं दिखाई दे रहा है, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, ये पूरा जामिनेशन ख़राब हो गया। दोस्तों एक जगह और आलू की बुआई हुई है, और वहाँ पे चल के देख लेते हैं वहाँ का कैसा माहौल है। वहाँ पे तो माटी चढ़ा दिया हूँ, वहाँ का जामिनेशन अच्छा था जो है। दोस्तों ये देखिए यहाँ के आलू की जो बुआई हुई है, ये वाला जामिनेशन जो है सही है, और उस दिन में माटी भी चढ़ा दिए थे, और उधर का जो है जामिनेशन अभी कमज़ोर है, क्योंकि वहाँ पर जो है बाद में बुआई हुआ था। दोस्तों इसी आलू की सिंचाई करना है, देख लिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सिंचाई करने लायक हो गया है कि नहीं है, क्योंकि एक बार माटी चढ़ा दिया हूँ, उसके बाद सिंचाई जो होती है वो वाली सिंचाई भी नहीं हुई है। दोस्तों जा रहे हैं अपनी अरहर देखने, वो कैसी है, मतलब कि इसमें फूल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सूखी तो नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत लोगों की अरहर देखा हूँ कि वो सूख जा रही है,
क्योंकि नमी कम होने की वजह से। तो चलते हैं, देख लेते हैं, जैसा भी होगा पता चलेगा। दोस्तों अपनी अरहर के पास आ गया हूँ और आप सभी को दिखाते हैं कैसा है हमारी अरहर। दोस्तों इस वाले गाटा की अरहर देख सकते हैं पूरा सही से जामी नहीं थी, जो जामी थी वो सूख रही है जो है। अब इसमें पानी चाहिए और आगे देख सकते हैं उधर भी सही है। और दोस्तों ये देखिए बड़ी बड़ी अरहर है इस गाटे की। और चलते हैं उस पार मेड़ पर ताकि वहाँ से अच्छे से आप सभी को दिखा सकूँ। दोस्तों आ गया हूँ मेड़ पर, इस पार निकल आया और यहाँ की अरहर ये वाली देख सकते हैं बढ़िया है। इसमें बहुत अच्छी जो है इसकी लंबाई भी बड़ी है और देख सकते हैं फूल भी लगा है इसमें, बिल्कुल हरा भरा है दोस्तों ये देख सकते हैं पूरा। दोस्तों आलू की सिंचाई लगा दिया हूँ और क्योंकि लाइट थी तो हमने सोचा लगा दूंगा, सही रहेगा नहीं तो फिर समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा बाद में। देखते हैं पानी इधर आ रहा है। दोस्तों अभी ये एक पाती जो है हो गया था, उसके बाद लाइट कट गई और लाइट कट गई अभी इधर दो पाती रह गया है, तो लाइट आएगी तब जाके ये सिंचाई होगा पूरा। और दोस्तों तब तक में अंधेरा हो जाएगा, दिन डूबने वाला है। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।